और मेरी स्टडी थोड़ी सी डाउन चल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ माय बेबी। तो टुडे आई एम टॉक अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या मतलब हमें कितने दिनों में ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ लेनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करना है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड एनसीईआरटीज बुक एंड देन आफ्टर यू सेलेक्ट मतलब जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जो समझ में अच्छा आए, लगे कि हाँ हम ये ऑप्शनल सेलेक्ट कर मतलब ये सब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शनल के लिए तो हमें ज़्यादा मार्क्स गॉट होंगे, मतलब हम ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, तो ऑप्शनल हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑप्शनल सेलेक्ट करने के बाद मतलब हमें ऑप्शनल की बुक मंगा लेनी है, जो भी ऑप्शनल आप सेलेक्ट करते हैं उसकी बुक मंगानी है, और उस बुक को कितने दिन में पढ़ना है, मतलब पढ़ना है कितने, मतलब अभी जुलाई चल रहा है तो हमें मतलब कोशिश करनी चाहिए कि ऑप्शनल जो है हमारा जो भी ऑप्शनल है वो दिसंबर तक कम से कम उसकी फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए। एंड कोशिश मतलब यू हैव टू मेक सम नोट्स ऑल्सो फ्रॉम योर नो मतलब जो भी बुक आप खरीदे, जो भी ऑप्शनल आप लिए हैं उसकी कुछ नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको बाद में प्रिपेयर करने के टाइम में, रिवाइज करने के टाइम में वो ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। तो ऑप्शनल ऑप्शनल नहीं खेलना है, ऑप्शनल जल्द से जल्द सेलेक्ट करिए, क्योंकि ऑप्शनल से भी आप बहुत अच्छे मार्क्स मतलब जीएस जो है वो की है, तो ऑप्शनल ऑप्शनल जो है वो मतलब ताला है, तो आप उससे ऑप्शनल से भी बहुत ज़्यादा ही मतलब मार्क्स गॉट कर सकते हैं, अभी अगर आपने ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर किया हो तो। कितने स्टूडेंट को मैं देखती हूँ कि मतलब उनको ऑप्शनल समझ में नहीं आता है मैं क्या ऑप्शनल लूँ, कभी कभी ये गलती करते हैं कि जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल ले लिए, फिर उनका इंटरेस्ट जूलॉजी में मतलब जूलॉजी में है या फिर ज्योग्राफी में, तो वो चूज़ करते हैं। तो हमें मतलब एक नाव पे ही पाँव रखनी है, दो नाव पे पाँव नहीं रखनी है। जो भी ऑप्शनल मतलब फर्स्ट एनसीईआरटीज रीड करिए, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे वो सब्जेक्ट बिना सोचे समझे उसको चूज़ कर लीजिए, और उसकी बुक मंगा लीजिए, और दिसंबर से पहले मतलब दिसंबर जनवरी आने से पहले पहले तक ऑप्शनल की फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, एंड उसका कुछ नोट्स बना लीजिए, ताकि रिवाइज करते समय आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो।